बोलिए। फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं इस पे? एल्गी का कलर क्या बोला हुआ है? ब्राउन एल्गी, जैसा उसका कलर दिखाई दे रहा है वो एल्गी उसको बोल देते हैं। ठीक है, और मेन कारण क्या है ये? तो ये पिगमेंट इसके मेन कारण है। ठीक है, इसके पास जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी के जगह पे, क्लोरोफिल ए और बी होता है जनरली, तो बी के जगह पे इसके पास क्लोरोफिल कौन सा है? तो सी है। ठीक है, एज वेल एज इसके पास कैरोटीनॉइड्स भी हैं और जैंथ्रोफिल्स भी हैं। ए और सी क्लोरोफिल का रहना इस एल्गी को ब्राउन कलर इम्पार्ट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो प्राइमरली ये लोग मरीन हैबिटेट में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। हो गया। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक है, इसके साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, छोटे से लेकर के बड़े तक हो सकता है, फॉर्म इसका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो साइज मतलब क्या होता है? माप, और फॉर्म मतलब होता है रूप। क्लियर? जो जिसका अपीयरेंस है उसमें और उसके मेजरमेंट में, लंबाई में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ढेर कई तरह के होते हैं। आगे, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प व्हिच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। जैसे इसके बारे में बोल रखा है कि सिंपल ब्रांच मतलब सिंपल एल्गी भी होंगे इसके, जो ब्रांचेज निकले होंगे उसके, लेकिन उसके अलावा इसके पास फिलामेंटस फॉर्म होता है, जैसे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक हाईली इवॉल्व ये है एल्गी है, जिसमें प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स होते हैं, ढेर सारे ब्रांच आपस जुड़े रहते हैं, और रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। केल्प्स दिया हुआ है, इसी तरह देख सकते हैं, विच में भी रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर, इनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई जो हो गया ना 100 मीटर तक हो सकती है। आगे, दे पॉजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कार्टिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल्स पिगमेंट। ठीक है, इनका जो कलर है, इनका जो कलर है ऑलिव ग्रीन से कई तरह के शेड वाला हो सकता है। ठीक है, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंटिन, क्या दिया हुआ है? इन देम जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, ये दिया हुआ ना, इसके अमाउंट के घटने और बढ़ने कारण ब्राउननेस जो कलर है उनको इसके बॉडी में दिखाई देता है। आगे, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन मैनिटॉल। ठीक है, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो नाम दे रखा है लेमिनेरियन, लेमिनेरिन है ना, एंड मैनिटॉल, ये दो केमिकल्स हैं जिसके फॉर्म में इसका फूड रिजर्व होता है। आगे, The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside of by a gelatinous coating of algin. Algin एक केमिकल है जो gelatinous coat बनाता है। कहाँ बनाता है? तो vegetative cell के बाहर की ओर। ठीक है, cell जो होता है generally वो किसी का बना होता है? cellulosic cell wall होता है इसके पास। cell का जो cell wall है वो cellulosic है, और बाहर की ओर क्या है? तो algin का बना हुआ gelatinous coat है इसके ऊपर। आगे, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, एक मिनट वेट करो। क्लोरोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स एडिशन प्लास्टिड, ये लिखा ना, टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, बीचों बीच में वैक्यूल्स मौजूद है, एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर? आगे बढ़ो। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्टेटम बाई अ होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक। हाँ बस बेटा, प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो जमीन से जुड़ी हुई रहती है, तली में किस चीज़ के द्वारा जुड़ी होती है? तो जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा उसको, प्लांट बॉडी को, उसे होल्ड फास्ट कहेंगे। होल्ड फास्ट को याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। एंड अ स्टॉक, एक डंठल होगा जिसे क्या कहेंगे? द स्टाइप, उसे स्टाइप कहा जाएगा। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दो जनों ने फ्रॉन्ट, पत्ती की तरह जो प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होगा उसे फ्रॉन्ट कहा जाएगा। हो जाएगा। आगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी बॉडी के छोटे टुकड़े होंगे, एक्सीडेंटल हो सकते हैं या डेथ ऑन डीके की वजह से हो सकते हैं, तो छोटे टुकड़े बनेंगे फिर से डेवलप होकर नया प्लांट बना लेंगे। ठीक है, आगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैगेलेट जू स्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैगेला। ठीक है, इसमें जो फियोफाइसी के जो मेम्बर्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, मोस्टली ब्राउन एल्गी में, वो बाई फ्लैगेलेट जू स्पोर के थ्रू होता है। ऐसे जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर किसे बोलते हैं?
جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں پیر کر کے, اس میں موومنٹ کر لیتے ہیں, لوکوموٹ کر لیتے ہیں. اور ان کے پاس دو فلیجلا ہوتا ہے, ان کا سیپ جو ہوتا ہے پیئر سیپ ہے ناسپاتی کی طرح ہے, اور جو یہ دونوں فلیجلا ہیں وہ انیکول ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. اور لگے کہاں ہیں تو لیٹرل سائڈ پہ لگے, لیٹرل سائڈ پہ لگے, ٹھیک ہے, بغل میں لگے. سیکسول ریپروڈکشن کوڈ, سیکشوئل ریپروڈکشن میں بی آئسوگیمس اور این آئسوگیمس اور اوگیمس. یونین آف گیمٹس میں ٹیک پلیس ان واٹر اور ود ان دا اوگیمین. دا گیمٹس آر پائری فارم اینڈ بیئر ٹو لیٹرلی اٹیچڈ فلیجلا. دا کامن فارم آر ایکٹوکارپس, ڈکٹیوٹا, لیمینیریا, سارگاسم اینڈ فیوکس. جب یہاں ہے کیا سیکسوئل ریپروڈکشن کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو اس میں سیکسوئل ریپروڈکشن جو ہے اس کے ڈھیر سارے فارم ہوں گے پیوفائسی کے, اس میں سے کچھ میں سیکسوئل ریپروڈکشن آئسوگیمس ہوتا ہے, یعنی دونوں گیمٹس اس کے ایک جیسے ہوتے ہیں. این آئسوگیمس ہوتا ہے, اس کے گیمٹس الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یا اوگیمس ہوتا ہے, مطلب کچھ پلانٹ میں جو گیمٹس ہوں گے وہ ایک فیمیل گیمٹ ہوگا جسے اووا کہیں گے, دوسرا میل گیمٹ ہوگا. یونین آف گیمٹس میں بھی ٹیکس پلیس ان واٹر. جو فیوژن ہوتا ہے گیمٹس کا وہ کہاں ہو رہا ہے, تو ایکویٹک موڈ میں ہو رہا ہے, ایکویٹک میڈیم میں ہو رہا ہے, ود ان اور ود ان اوگونیم. یہ اوگونیم کے اندر بھی فیوژن ہو سکتا ہے دونوں گیمٹس کا, ٹھیک ہے. اوگیمس اسپیسیز میں یہ ہوگا ایسا, ٹھیک ہے, ساری اسپیسیز میں ایسا نہیں ہوگا. دا گیمٹس آر پیری فارم. جو گیمٹ ہیں اس کا وہ ناسپاتی کے آکار کا رہے گا, ٹھیک ہے. اور گیمٹ میں دونوں سائڈ فلیجلا اٹیچ ہوگا, دو فلیجلا ہوں گے اور وہ سائڈ میں لگے ہوں گے. دا کامن فارم آف ایکٹوکارپ, جو اس کے روپ ہیں, جو ایگزامپل ہے اس کا فیوفائسی کا, وہ ایکٹوکارپس ہے, ڈپٹیوٹا ہے, لیمینیریا ہے, سرگاسم اور فیوکس, ٹھیک ہے. یہ پانچ نام دیے ہوئے ہیں, یہ اس کے کامن فارم ہو جائے گا.